हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नेशनल प्रीमियर चैंपियनशिप 2017 के 9th राउंड की गेम है, जो खेली गई थी दीपेन चक्रवर्ती और स्वप्निल धोपड़े के बीच में। फ्रेंड्स, आजकल इतना ज़्यादा चेस खेला जाता है कि आप सभी गेम्स नहीं देख सकते और ना जाने कितनी ही एक्साइटिंग गेम्स हम लोगों से छूट जाती हैं। लेकिन आप इसे इंटरनेट का चमत्कार कहें या हमारे इस चेस गुरु परिवार की समझ कि वे लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों पर होने वाली बेहतरीन गेम्स को शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इस गेम के बारे में हरीश पवार जी ने बताया था और जब मैंने इस गेम को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये गेम लाइव क्यों नहीं देखी। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान दीपेन चक्रवर्ती की रेटिंग 2477 थी, वहीं स्वप्निल धोपड़े की रेटिंग 2516 थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की दीपेन चक्रवर्ती ने e4 के साथ, c6 कारुकान डिफेंस, नाइट f3, d5, नाइट c3, नाइट f6, e5, नाइट पर अटैक, तो नाइट e4, क्वीन a2। और अब यहाँ स्वप्निल को चांस मिला वाइट का पॉन स्ट्रक्चर खराब करने का, नाइट टेक c3, bटेक c3, e6, h4, और दीपेन ने यहाँ अपना किंग साइड पॉन अटैक शुरू कर दिया है ताकि ब्लैक यहाँ किंग साइड कैसल करने से पहले दो बार सोचे। तो यहाँ ब्लैक ने किया c5, h5, h6, g3, b6, बिशप g2, बिशप a6, क्वीन पर अटैक, तो d3, नाइट c6, नाइट h2, क्वीन c7, नाइट g4। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूंकि ये बी फाइल सेमी ओपन हो चुकी है तो वो यहाँ अपने बी पॉन को आगे पुश करेंगे और यहाँ से कुछ गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ ब्लैक ने क्वीन साइड कैसल किया। हालांकि ब्लैक को कोई अभी इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बी फाइल के सेमी ओपन होने की वजह से ब्लैक को यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिशप f4, बिशप b7, किंग f1। और फ्रेंड्स, यहाँ पता नहीं क्यों दीपेन ने कैसल नहीं किया, वो शायद यहाँ कैसल करते तो ज़्यादा बेटर होता। c4, और अब यहाँ ऑब्वियस है कि वाइट यहाँ एटलीस्ट पॉन ट्रेड करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, अदरवाइज उसके दो पॉन्स इस गेम में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो वाइट ने यहाँ किया d4, b5, a3, ताकि ये बी पॉन और फर्दर आगे पुश ना हो सके। क्वीन a5, c3 पॉन पर अटैक, तो बिशप d2, क्वीन a4, c2 पॉन पर अटैक, तो उसका डिफेंस क्वीन d1, नाइट b8, नाइट e3, बिशप e7। और फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में अगर मैं ब्लैक की पोजीशन को एनालाइज करूँ तो मुझे ये b8 स्क्वायर पर नाइट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। किंग g1, क्वीन a6, किंग h2। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसीलिए कह रहा था कि वाइट ने उस समय कैसल क्यों नहीं किया, वो अपने किंग को पहले f1, देन g1 और उसके बाद h2 स्क्वायर पर लेकर आया। और ये सब करने में उसने लगभग यहाँ 3 मूव वेस्ट किए, क्योंकि ये काम एक मूव में हो सकता था। एनीवेज फ्रेंड्स, यहाँ शायद दीपेन की अपनी कोई स्ट्रेटेजीज रही होंगी। नाइट d7, बिशप h3, किंग b8, f4, g6, और अब यहाँ ब्लैक ने ये जी फाइल को ओपन करने की थ्रेट दी। और फ्रेंड्स, यहाँ ये g6 मूव थोड़ा प्रोवोक्ड भी है, क्योंकि अब यहाँ वाइट थ्रेट दे रहा है अपने एफ पॉन को आगे पुश करने का, तो शायद इसीलिए यहाँ ब्लैक ने ये जी पॉन आगे पुश किया होगा। क्वीन a2, क्वीन c6, रुक b1, एंड फाइनली वाइट ने ये रुक बी फाइल में पहुँचा ही दिया। किंग a8, रुक a2, नाइट b6, a4, बिशप टेक्स a4, h टेक्स g6, f टेक्स g6, क्वीन g4। वाइट ने यहाँ इस g6 पॉन पर थ्रेट बनाई और ब्लैक इस पॉन का डिफेंस अपने रुक से भी कर सकता था, और आई थिंक फ्रेंड्स वो शायद बेटर होता। और वैसे तो यहाँ थ्रेट इस e6 पॉन पर भी है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन e8। और यहाँ ब्लैक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वाइट का अगला मूव था क्वीन टेक्स a6, बिशप c8, और अब यहाँ इस क्वीन को जाने के लिए कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं है। और अगर मैं यहाँ दूसरे शब्दों में कहूँ तो वाइट की एक क्वीन यहाँ ट्रैप हो चुकी है। लेकिन जिस अंदाज में दीपेन ने e6 पॉन लिया था, मुझे नहीं लगा कि ये क्वीन ट्रैप हुई है। मुझे ऐसा लगा कि दीपेन ने यहाँ इंटेंशनली क्वीन सेक्रीफाइस की है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लैक के पैटर्न को एनालाइज करूँ तो मुझे कोई भी ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आता जिससे आप इस क्वीन सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर सकें। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और वाइट के लिए अगला मूव ढूंढें जिसे चलने के बाद वो यहाँ एटलीस्ट अपने डैमेज को मिनिमाइज कर सके। और फ्रेंड्स, जो मूव आपने सोचा है वो रुक टेक्स b6 है, तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ पहली नज़र में इस मूव को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते।
और अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करे या फिर इस रुक को ले अपने नाइट के बदले में, क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ दीपन चक्रवर्ती ने ये नाइट अपने रुक से लिया है उससे ये बात तो क्लियर है कि यहाँ ब्लैक की इस पोजीशन में कुछ ना कुछ तो कमी है। आइए ज़रा यहाँ इस बात को देखते हैं कि अगर ब्लैक ने रुक लिया होता तो वाइट को क्या बेनिफिट हो सकते थे। अगर यहाँ ब्लैक करता है ए टेक्स बी सिक्स तो उसके बाद क्वीन टेक्स बी सिक्स, और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक का किंग चेकमेट देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ वाइट अपने क्वीन को ए फाइव स्क्वायर पर लाकर पहली चेक देंगे और रुक को बी टू स्क्वायर पर लाकर चेकमेट कर देंगे। तो ब्लैक के लिए बेस्ट मूव है बिशप बी सेवन ताकि ये किंग बी एट स्क्वायर पर जा सके। और अब अगर यहाँ वाइट करता है क्वीन ए फाइव चेक तो किंग बी एट, रुक टेक्स ए फोर, क्वीन सी सिक्स, बिशप जी टू, एंड फाइनली फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक की वीकनेस समझ में आती है। यहाँ वाइट की सारी स्ट्रेटजी इस डी फाइव पॉन के वीक होने की वजह से थी, तो ब्लैक को यहाँ पहले अपनी क्वीन हटानी होगी। तो क्वीन सी सेवन, क्वीन ए सेवन चेक, किंग सी एट, बिशप एच थ्री चेक, और अब इस चेक से बचने के लिए ब्लैक को अपने रुक को बीच में लगाना होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ये सब कैलकुलेशन जो अभी हमने की थी इस पोजीशन को देखकर करना आसान है। यहाँ स्वप्निल ने किया बिशप टेक सी सिक्स, और अब वाइट को क्या फायदा होने वाला है फ्रेंड्स वो समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ दीपेन ने इस बिशप को लिया रुक टेक सी सिक्स, और फाइनली यहाँ वाइट ने ब्लैक के बिशप और नाइट के बदले में अपनी क्वीन दे रखी है। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया ए थ्री ताकि ये रुक इस बी टू स्क्वायर पर ना आ सके। बिशप जी टू, डी फाइव पॉन पर प्रेशर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेस्ट मूव था कि वो यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करे। और फ्रेंड्स चूंकि मैं इस गेम के रिजल्ट को जानता हूँ तो यहाँ इस बात को तो ज़रूर कहूँगा कि इस सिचुएशन में ब्लैक के पास एक जेन्युइन इस गेम को ड्रॉ कराने का चांस था, क्योंकि यहाँ से अब अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट का अगला ऑब्वियस मूव है नाइट टेक्स डी फाइव। वो यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक की थ्रेट देगा, लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है क्वीन एच फाइव चेक, किंग जी वन, क्वीन डी वन चेक, किंग एच टू, क्वीन एच फाइव चेक, किंग जी वन, और इस तरह यहाँ रिपीटेड चेक्स देकर ब्लैक इस गेम को ड्रॉ करा सकता था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया क्वीन एफ सेवन, नाइट टेक्स डी फाइव, वाइट ने यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दी, और अब यहाँ ब्लैक के सामने क्या ऑप्शंस है, क्या यहाँ वो इस रुक को ले सकता है। अगर यहाँ ब्लैक करता है क्वीन टेक सी सिक्स तो उसके बाद नाइट सी सेवन चेक, और इस तरह यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। और फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक अपने बिशप को डी सिक्स स्क्वायर पर प्लेस करे और उसे यहाँ सेक्रीफाइस करने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट करेगा नाइट ई सेवन चेक। एक्चुअल प्रॉब्लम ब्लैक की इस डिस्कवर्ड चेक से ही है, तो किंग बी एट, नाइट सी सिक्स चेक, किंग सी एट, और फिर इसके बाद रुक टेक्स डी सिक्स, रुक टेक्स डी सिक्स, ई टेक्स डी सिक्स। और फ्रेंड्स अब यहाँ बाकी की बची हुई गेम में ब्लैक को अपनी क्वीन या रुक में से एटलीस्ट एक पीस तो यहाँ देना ही होगा। तो इन्हीं सब कैलकुलेशंस को देखते हुए यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को मूव किया एफ एट स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद नाइट सी सेवन चेक, किंग बी एट, नाइट ए सिक्स चेक, किंग सी एट, रुक सी सिक्स चेक, किंग डी सेवन, रुक सी सेवन चेक, एंड फाइनली वाइट ने ब्लैक की क्वीन पर टारगेट तो लगा ही लिया, किंग ई एट। अगर अब यहाँ वाइट इस क्वीन को लेता है तो ब्लैक विनिंग सिचुएशन में तो होगा, लेकिन ब्लैक के पास ये तीन पीसेज होंगे और वाइट के पास ये चार पीसेज। तो आप कह सकते हैं कि वाइट एक माइनर एडवांटेज में होगा जिसमें उसके पास एक रुक के बदले में नाइट और बिशप एक्स्ट्रा हैं। तो ब्लैक ने यहाँ मूव किया बिशप सी सिक्स चेक, और इस चेक से बचने के लिए रुक डी सेवन, एंड फ्रेंड्स फाइनली रुक टेक्स डी सेवन। और यहाँ इस मूव के बाद स्वप्निल ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट ने एक डिस्कवर्ड अटैक की तो तैयारी कर ही रखी है, और ब्लैक को अगर यहाँ अभी अपनी क्वीन बचनी है तो उसे यहाँ करना होगा बिशप ई सेवन, लेकिन उसके बाद नाइट सी सेवन चेक, और अब ये किंग एफ एट स्क्वायर पर ही मूव करेगा, लेकिन उसके बाद बिशप डी फाइव क्वीन पर अटैक होगा। तो अब इस क्वीन के बचने के लिए सिर्फ एफ फाइव स्क्वायर, लेकिन उसके बाद नाइट ई सिक्स चेक, और अब ब्लैक अब यहाँ अपने इस किंग को कहाँ मूव करेगा। अगर वो यहाँ इस किंग को ई एट स्क्वायर पर लेकर जाता है तो सिंपल नाइट जी सेवन चेक, किंग क्वीन पर फॉक। तो यहाँ ब्लैक को अपने किंग को एफ सेवन स्क्वायर पर मूव करना होगा, लेकिन उसके बाद नाइट जी सेवन, किंग टेक्स जी सेवन, रुक टेक्स ई सेवन चेक, किंग एफ एट, रुक एफ सेवन चेक, क्वीन टेक्स एफ सेवन, बिशप टेक्स एफ सेवन, किंग टेक्स एफ सेवन, एंड फाइनली फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता कि ब्लैक यहाँ किसी भी तरह से इस पोजीशन में
किसी भी तरह की फाइट कर सकता है। और इस गेम को ख़त्म करने से पहले मैं हरीश पवार भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी एक्साइटिंग गेम के बारे में हम लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।